हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन प्रिंस एजुकेशन हब सीकर। दिस योर साइंस पीरियड। टुडे वी हैव स्टार्ट इन चैप्टर नंबर 4 इन ए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। न्यू टॉपिक इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, कल हमने कौन से मॉडल हमने पढ़े थे बेटा? एक तो जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था और दूसरा बाद में कौन सा मॉडल पढ़ा था बेटा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या था? जो जे थॉमसन मॉडल था उसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। ओके, उसके बाद जो नया हमारे पास मॉडल आया उसका नाम क्या था बेटा? बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो जो नया मॉडल आया जिसका नाम क्या है? बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या किया? जो ड्रॉबैक किसके थे बेटा? रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे उसको बिल्कुल सही कर दिया, और उन ड्रॉबैक को सही करके इसने एक नया मॉडल तैयार किया जिसका नाम क्या था बेटा? बोहर से मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। इसके कुछ ना कुछ पोजुलेट थे जो इसने दिए थे, तो उस पोजुलेट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो पोजुलेट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट पोजुलेट्स था ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कि एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बेटा? स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा? स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास किसके अंदर? एटम के अंदर। तो एटम, ये मान लो कि ये एटम है, तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इसके क्या होते हैं अलग अलग, क्या ऐसे क्या बने होते हैं बेटा? ऑर्बिट्स बने होते हैं किसके अंदर? एटम के अंदर। एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स भरे होते हैं, और उन अलग ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जैसे ये देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग फिल होते हैं, इस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अलग वे में फिल होते हैं। इस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? अलग वे में क्या होंगे? फिल होंगे। इसका मीनिंग हमारे पास एटम के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, और उन स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग वे में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ओके, ये कहना था किसका? बोहर मॉडल ऑफ एटम का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कौन अच्छे से नहीं बता पाया था बेटा? रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। जिसको किसने बता दिया? बोहर मॉडल ऑफ एटम में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं किसी एटम के अंदर। ठीक है, सेकंड देखो, वाइल रिवॉल्विंग इन दी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उस अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक में क्या पढ़ा था? कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट कर देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर समा जाता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाता है। ऐसा हमने मैक्सवेल थ्योरी जो थी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करता है तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मैक्सवेल थ्योरी भी फेल थी, और जिसको कौन नहीं बता पाया था बेटा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम नहीं बता पाया था। ठीक है, लेकिन हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम ने उसको बता दिया था कि हमारे पास क्या होगा बेटा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब अलग अलग ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे, ठीक है, रिवॉल्विंग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी इसने क्या कर दी? फेल कर दी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, दिस ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स और शेल को क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी लेवल। तो हमारे पास यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, सबसे पहले बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये होती है फर्स्ट सेल, ये होती है सेकंड शेल, ये हमारे पास क्या है? थर्ड शेल। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और ले लो, ये हमारे पास क्या है? फोर्थ शेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है एटम के अंदर देखा जाए तो अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट्स ऑर्बिट। डिस्क्रीट्स ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? अलग अलग ऑर्बिट्स। ये एक ऑर्बिट्स है, इसको बोलते हैं शेल। ये भी एक ऑर्बिट्स है, इसको भी बोलते हैं शेल। ये भी एक ऑर्बिट्स है, इसको भी बोलते हैं शेल। ये भी एक ऑर्बिट्स है और इसको भी बोलते हैं शेल। तो हमारे पास क्या होती हैं? अलग अलग शेल बनी होती हैं किसके अंदर? एटम के अंदर।
ये हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है, ये हमारे पास फर्स्ट सेल होती है, ये सेकंड सेल होती है, ये थर्ड सेल होती है, और ये क्या होती है बेटा, फोर्थ सेल होती है। ओके, तो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं के से, सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। याद रख लेना है आपने, फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं के से, सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे बेटा, एन से। ओके, फर्स्ट सेल जो होता है उसके अंदर एन का वैल्यू क्या होगा, वन। एन का वैल्यू वन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है, वन है। एन का वैल्यू यहाँ पे टू होगा, नंबर ऑफ सेल क्या है, टू है। एन का वैल्यू यहाँ पे थ्री होगा, नंबर ऑफ सेल कौन सी है, थर्ड। एन का वैल्यू यहाँ पे फोर होगा, नंबर ऑफ सेल कौन सी है, फोर। ठीक है, तो फर्स्ट सेल को के बोलते हैं, सेकंड सेल को एल, थर्ड सेल को एम, और फोर्थ सेल को एन बोलते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स और सेल होती हैं जिनको बोलते हैं बेटा एनर्जी लेवल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है बेटा, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने की थी। ओके, याद रख लेना इनका नाम, जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर की थी। ओके, अब न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है बेटा, कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, फिर हमारे पास क्या है, मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो किसके ऊपर इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। जितना मास प्रोटॉन का होगा उसके इक्वल होगा मास किसका बेटा, न्यूट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है बेटा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रख लेना, जो हमारे पास बेटा न्यूट्रॉन होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जितने भी एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, वन है, इसलिए उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, अब इसका सिंबल क्या है, एन से डिनोट करते हैं किसको, न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉनों को ई से, और न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। ओके, नेक्स्ट अगर हमने मास फाइंड आउट करना है किसी भी एटम का, किसी भी एटम का अगर हमने मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास न्यूट्रॉन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जब भी हम मास फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम का तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसके अंदर बेटा, न्यूक्लियस के अंदर, उनका जो सम होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एटम के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास न्यूट्रॉनों का, न्यूट्रॉन जो है उनका प्रेजेंट होना न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम का। तो मास जब फाइंड आउट करेंगे किसी भी एटम का तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दिस इज द वे ऑफ मास फाइंड आउट ऑफ एटम, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मास नंबर भी होता है। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम, दैट इज नोन एज ए मास नंबर। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा हमारे पास, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स और डिफरेंट डिफरेंट शेल। ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग शेल के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहले देखो बेटा क्या है कि हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम हमने कर लिया है। ठीक है,
अब हमारे पास बोहर और एक ब्यूरी नाम का जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने हमें ये सिखाया कि हमें एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं, और उन शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, सेकंड शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, थर्ड शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, फोर्थ शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एटम के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो बोहर और ब्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया था, ठीक है। तो कौन कौन से, सबसे पहले उन्होंने रूल बताए थे कि इन रूल के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करने हैं, किसी भी एटम के अंदर उनकी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, ठीक है। तो वो रूल कौन कौन से हैं, जिस रूल से हमें ये पता लगेगा कि एटम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शेल होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, उनके अंदर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, तो वन बाय वन उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला रूल कौन सा है, देखो, फर्स्ट रूल है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n2, कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी शेल के अंदर, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बेटा, कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर होंगे, चाहे वो फर्स्ट शेल हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, उन सभी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उनका जो पता है हम किससे लगाएंगे बेटा, 2n2 वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है 2n2। अब इस फॉर्मूले से देखो, हमारे पास फर्स्ट शेल कौन सी होती है, फर्स्ट शेल होती है के, ओके। तो के अंदर n का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। n का वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट सेल है, तो n का वैल्यू 1। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल हमारे पास क्या है, k है, तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, एक ही है, ओके। तो 2n2 फॉर्मूला फिल कर दो, 2n2 में क्या होगा, 2 × n, n कितना है, 1 है, उसका स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। तो इसका मीनिंग फर्स्ट शेल जो है, के शेल है, उसके अंदर सिर्फ हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं लगाता हूँ पहले, ये मेरी फर्स्ट शेल है, इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, ओके। सेकंड देखो, सेकंड शेल कौन सी है, एल है, एल है सेकंड शेल, तो एन का नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, 2n2, 2 × n का वैल्यू 2 × 2, तो कितना हो गया, 2 × 4, 4 × 2 = 8। तो इसका मीनिंग जो सेकंड शेल है हमारे पास, सेकंड शेल जो है हमारे पास एटम के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ओके। फिर देखो, थर्ड शेल हमारे पास आएगी, थर्ड शेल कौन सी है, एम है, एम ही है ना, तो एम है, नंबर क्या होगा, एन इक्वल टू कितना होगा, 3, तो 2n2 इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 × 2 = 18। तो थर्ड शेल के अंदर सिर्फ हम 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, तो थर्ड शेल के अंदर 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ठीक है। तो थर्ड शेल के अंदर सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। फोर्थ शेल देखो, फोर्थ शेल हमारे पास कौन सी है, के, एल, एम और एन, एन है हमारे पास शेल, फोर्थ शेल का नाम क्या है, एन है, तो n का वैल्यू कितना होगा, 4, तो 2n2, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 × 2 = 32, तो फोर्थ शेल के अंदर हम कितने फिल कर सकते हैं, 32। तो ऐसे आप शेल डिनोट कर दोगे, और इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दोगे बेटा, 32, तो यहाँ पे 32 आपने फिल कर देने हैं, ऐसे 32 आपने फिल कर देने हैं। तो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट सेल होती है जिसको हम बोलते हैं के, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ हम
दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जो सैंकिड शेल होती है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। थर्ड शेल जो होती है हमारे पास उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और जो फोर्थ शेल होती है हमारे पास बेटा उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ शेल आगे चलती जाएंगी। ये तो था हमारा फर्स्ट रूल आपको पता लग गया होगा। सैंकिड क्या कहता है, सुनो ध्यान से। सैंकिड देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। वो क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ हमने 8 ही फिल करने हैं। ये सैंकिड रूल था किसका, बोहर और ब्यूरी साइंटिस्ट का, कि जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल के अंदर जितने भी फिल करने होंगे, सैंकिड शेल है, फिर थर्ड शेल है, जो भी शेल होगी हमारे पास आउटर मोस्ट जो शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली शेल। जैसे मान लो ये बाहर वाली शेल है, इसके बाद हमने कोई भी शेल नहीं बनाई, तो इस शेल को क्या बोलते हैं, बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। उसने क्या कहा था बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और हमारा रूल क्या कहता था, हम फर्स्ट शेल के अंदर क्या भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन थर्ड के अंदर कितने भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर क्या भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन थर्ड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे। थर्ड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, क्योंकि सैंकिड रूल कहता है थर्ड के अंदर सिर्फ हम आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ हम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं फिल कर सकते। तो आपने ये भी देखना है कि थर्ड के सिर्फ अंदर सिर्फ 18 की जगह हमने क्या करना है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास क्या होंगे बेटा, फिल हो सकेंगे। ओके, तो आउटर मोस्ट जो शेल होगी, बाहर वाली जो शेल होगी, उसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल करेंगे, उससे ज़्यादा फिल नहीं करेंगे। अब इसके रूल के बारे में आगे आपको अच्छे से और पता लग जाएगा हम जब आगे ट्राई करेंगे। ओके, थर्ड रूल क्या है सुनो ध्यान से, थर्ड रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। कि हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को ऐसे हमने फिल नहीं करना किसी भी शेल के अंदर, सीरियल वाइज फिल करना है, मतलब स्टेप वाइज फिल करना है। कैसे, जैसे मान लो कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट सेल फिल होगी, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर सेकंड शेल पूरी कंप्लीट फिल होगी, सेकंड शेल जो भी है पूरी कंप्लीट फिल होगी, फिर उसके बाद हमने थर्ड शेल पे जाना है। ओके, तो पहले फर्स्ट सेल को पूरा फिल करना है, फिर सेकंड शेल को पूरा फिल करना है, फिर थर्ड शेल को पूरा फिल करना है, फिर आगे शेल पे जाना है। ऐसे नहीं है कि पहली शेल कंप्लीट ना हो और आप दूसरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ऐसा नहीं होगा, स्टेप वाइज चलना है। पहले फर्स्ट जो शेल है हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर जितने भी बच गए उसको सेकंड शेल के अंदर फिल कर देना है, फिर जितने भी बच गए उसको थर्ड शेल के अंदर फिल कर देना है। तो सभी शेल को पहले कंप्लीट करना है, फिर आगे आपने बढ़ना है। तो ये स्टेप वाइज हमारे पास मैनर होगा। ओके, कि स्टेप वाइज ही फिल करने हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, मैं अब आपको काफ़ी सारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने सिखाऊंगा कि अलग अलग एटम के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, ठीक है। तो हम अब देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखो, जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एटम देखो, सबसे पहले कौन सा होता है, हाइड्रोजन एटम होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल पड़ी हो तो आप उसके अंदर देख सकते हो, नहीं तो नेट से पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लो और वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, वहाँ पर देखना आप, पहले हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, सेकेंड नंबर पर हीलियम होता है, थर्ड नंबर पर लिथियम, फिर बेरियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
आगे ऐसे चलता जाता है, ओके। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्युमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर पे बेस पे ही हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर इस एटम के अंदर क्या करेंगे, इनकी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमारे पास कौन सी शेल आएगी, फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, ओके। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका क्या है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मीनिंग इसके पास सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो हमने ये फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो हमारे पास हीलियम है, हीलियम का नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर 2, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है, फर्स्ट शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, वो क्या आ जाएगा, सेकंड शेल के अंदर। तो सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इसको दोबारा से सुन लो, दोबारा से फिर देखो, हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है, फिर क्या बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया लिथियम के अंदर। टोटल कितने हैं, 3 हैं, 2 पहली वाली में फिल कर दिए, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 क्या कर दिया, आगे वाली शेल के अंदर फिल कर दिया। तो इनको क्या बोलते हैं, जो लास्ट जो हमारे पास शेल होती है वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल होती है, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 8 भर सकते हैं, लेकिन हमने कितने फिल किए हैं, 1 ही फिल किया है, ठीक है। आगे देखो बेरियम नंबर कितना होता है, 4। बेरियम नंबर कितना होता है बेटा, 4। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर कितने भरेंगे, 2 और इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 2 और 2, 4। फिर आ गया ब्रोन, ब्रोन के अंदर क्या होगा, देखो ब्रोन की फर्स्ट शेल के अंदर कितने होंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, टोटल कितने हैं, 5 हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 फिल कर दिए, पीछे कितने बचे, 3, तो 3 आगे वाली शेल के अंदर हमने फिल कर दिए। फिर कार्बन है, कार्बन के अंदर देखो फर्स्ट शेल के अंदर 2 फिल कर दिए, सेकंड शेल के अंदर कितने फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। पहली शेल में 2 कर दिए फिल, बाकी कितने बचे, 4 बचे, 4 किस में फिल कर दिए, लास्ट वाली शेल में, ओके। फिर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फर्स्ट शेल में हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ओके। सेकंड शेल में देखो हमारे पास कितने आए, 2 तो पहली शेल में फिल कर दिए, नंबर कितना है इसका, 7 है। पहली शेल में 2 फिल कर दिए, पीछे कितने बचे, 2 में से 7 गया, 5, तो 5 यहाँ पे फिल कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ऐसे ही यहाँ पे फिल करने हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है, तो ऑक्सीजन के अंदर कैसे आएगा बेटा, फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 8 में से 2 गए, पीछे कितने बचे, 6, तो आगे वाली शेल में हम कितने फिल करेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर होता है 9, फर्स्ट शेल में कितने भरेंगे बताओ मेरे को, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 भरेंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में कितने फिल करेंगे, नंबर कितना है, 9, पहली शेल में 2 फिल कर दिए, पीछे कितने बचे, 9 में से 2 गया, पीछे कितने बचे, 7, आगे वाली शेल में हम 7 फिल कर देंगे। फिर देखो आगे
इसका नंबर कितना है, 10 है। फर्स्ट शेल में कितने फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। 2 में से 10 गया, कितने बचे, 8। तो लास्ट वाली शेल में कितने फिल करेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसने 8 फिल कर दिया तो फर्स्ट सेल भी हमारी पूरी कंप्लीट होगी और आउटर मोस्ट जो शेल थी वो भी क्या होगी, पूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास सोडियम है। सोडियम का नंबर कितना होता है बेटा, 11। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, सेकंड शेल के अंदर कितने फिल करेंगे, सेकंड शेल के अंदर कितने फिल करेंगे, हमने 2 फिल कर दिया, 11 में से 2 फिल कर दिए। ओके, तो कितने पीछे बचे, 9 बचे। तो सेकंड शेल में कितने फिल करने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली शेल में 2 फिल कर दिए, दूसरी में 8, टोटल कितने फिल कर दिए, 10। पहली शेल में 2 और दूसरी में 8, कितने हो गए टोटल, 10। लेकिन एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 11 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करेंगे, थर्ड शेल के अंदर। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हमने जो है वो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या था बेटा, 11 था, ठीक है, 11 नंबर था, ध्यान से सुनना। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पीछे कितने बचे, 9 बचे। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्योंकि हमने क्या करने हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, चाहे वो आउटर मोस्ट शेल हो, चाहे वो किस कोई भी शेल हो, ठीक है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर क्या करने हैं, हमने फिल करने हैं, उससे ज़्यादा फिल नहीं करने, ऐसा इस रूल ने बताया था। ओके, फिर देखो, दूसरी में 8 फिल कर दिए, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, टोटल कितने हो गए, 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, 10। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन जो और बचा है तो वो कहाँ पे फिल करेंगे, लास्ट वाली थर्ड शेल के अंदर। तो थर्ड शेल हमने बना दी, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या होगा, सेम वही चीज, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया। लास्ट शेल में कितने आएंगे, 10 तो भर दिए हमने, पीछे कितना है, नंबर कितना है, 12, तो 12 में से 10 गए, कितने बचे, 2। तो लास्ट शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहीं पे भी फिल कर दो। एल्युमिनियम है, नंबर है 13, फर्स्ट शेल में कितने फिल करेंगे, जल्दी बोलो, 2, सेकंड में कितने फिल करेंगे, 8, थर्ड शेल में कितने फिल करेंगे, पहली शेल में 2 फिर 8, कितने हो गए, 10, नंबर कितना है, 13, 3 और बचे, तो 3 लास्ट वाली शेल में, 1 2 और 3, कहीं पे भी फिल कर दो। ओके, तो ऐसे हमने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, किसके अंदर, एटम्स के अंदर, अलग अलग एटम के अंदर हमने क्या करना है बेटा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कुछ और देख लो, और इलेक्ट्रॉन बताता हूँ, जैसे देखो हमारे पास नेक्स्ट है, देखो क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17 होता है। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2, दूसरी के अंदर 8 फिल करेंगे, तीसरी के अंदर हम कितने फिल करेंगे, 7। फर्स्ट शेल के अंदर 2 + 8 कितने हो गए, 10, तो 10 हो गए, पीछे कितने बचे, 10 में से 17 गए, 7 बचे, तो थर्ड शेल में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सेकंड शेल के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, 10। लेकिन हमारे पास नंबर क्या है, 17, 17 में से 10 के कितना बचे, 7। तो लास्ट सेल में कितने भरने हैं हमने, 7 भरने हैं, तो लास्ट सेल बना दो, इसके अंदर कितने फिल करेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 6 7। तो पहली शेल में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में 7, यही था, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। जैसे हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का नंबर होता है 20, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8, टोटल कितने हो गए, 2 8 10 10 और 8 18 18 हो गए, और कितने बचे, 20 है, तो 2 और आगे। तो इसका मीनिंग फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, कितनी शेल तक जाएगा, 4 से शेल तक जाएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए,
सेकंड शेल में कितने करने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड शेल में भी कितने करने हैं, 8 फिल करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखना आपने कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपने 8 ही फिल करने हैं, ठीक है, चाहे हो सेकंड शेल। देखो हमने क्या रूल किया था बेटा, अभी रूल हमने किया था K के अंदर हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, L के अंदर हम कितने भरेंगे 8, M के अंदर हम 18 और N के अंदर हम 32। ये रूल किया था हमने बेटा, ये रूल किया था, कौन सा फॉर्मूला था, 2N स्क्वायर वाला, फर्स्ट सेल के अंदर इतने, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर इतने। ये जो फॉर्मूला है 18 और 32 वाला, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सेकंड रूल क्या कहता है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमें, चाहे वो थर्ड शेल हो, थर्ड शेल में कितने आने चाहिए थे, थर्ड शेल ये है, आने तो 18 चाहिए थे थर्ड शेल के अंदर, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है सेकंड रूल की, 8 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यही सेकंड रूल का कहना है। ओके, तो ये हमारे पास ये वाला रूल एकदम से फॉलो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 8, फिर कितने बचे, 2 + 8, पहली में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में फिर 8 भर दिए, लास्ट में कितने बचे, 2, तो 2 फिल कर दो यहाँ पे, तो नंबर कितना हो गया, 2 + 8 + 18, 18 + 2 = 20, तो 20 नंबर फिल हो गया, और हमने इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो मैंने आपको जैसे बताया है वैसे ही क्या करना है आपने, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अलग अलग शेल के अंदर, ठीक है, तो आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने आएंगे शेल के अंदर। तो आप भी ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप एटम बनाओ, फिर एटम के अंदर शेल बनाओ, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा इसके अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।